ये जो आप मेरे पीछे हृदय विदारक नजारा देख रहे हैं, आपके रूह को झकझोर देगी यह वीडियो, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि रांची पटना मुख्य मार्ग है और वहां पर फिर से आज सड़क दुर्घटना हुआ है। मौत की घाटी के नाम से प्रसिद्ध इस घाटी में लगातार मौत का तांडव लगा ही रहता है। आज सुबह की ही बात है जब एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई और एक उप चालक की मौत हो गई और उसके साथ जो चालक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और आज फिर से यह इस प्रकार की जो घटना हुई उसमें एक व्यक्ति फंसा हुआ है और कुछ लोगों के दब कर मरने की आशंका है। गाड़ी की स्थिति को और उस व्यक्ति के तड़प को आप देखेंगे तो कहेंगे कि इस सड़क का जो निर्माण हुआ था, और यहाँ पर आपको बता दें कि जान बचाओ संघर्ष समिति का भी बैठक किया गया, यहाँ पर आंदोलन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक अलाइनमेंट नहीं बदला गया, जिस कारण से लगातार यहाँ पर मौत का तांडव होता ही रह रहा है। और आपको एक बात और बता दें कि सड़क में अच्छी व्यवस्था हो उसको लेकर स्ट्रीट लाइट भी लगाया गया यहाँ पर, लेकिन घाटी में कहीं भी स्ट्रीट लाइट जलती आपको नजर नहीं आएगी। लगातार खबरें आती हैं, लगातार खबरें छापी जाती हैं, चलाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना शासन के लोग, ना प्रशासन के लोग, ना NHAI के लोग इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन लगातार मौत का तांडव जब होता है तो एक बड़ी टीम पहुँचती है, रेस्क्यू करती है, लेकिन कुछ लोगों को बचा लिया जाता है और कुछ लोग काल के गाल में समा जाते हैं। कौन है इसका जिम्मेवार? कौन इन सब हालात का जिम्मेवार है? कब सुधरेगी यहाँ के मौत के तांडव वाली तस्वीर और कब इस घाटी का नाम मौत की घाटी से बदलेगा? आप इस दिल को झकझोर देने वाले हृदय विदारक नज़ारे को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भयावह स्थिति में पूरा सड़क जाम लगा और किस प्रकार से यहाँ पर भयावह दुर्घटना हुई है। और यह वो जगह है जहाँ पर कि मौत का तांडव लगातार होता है, लगातार यहाँ पर लोगों की जान जाती है। कभी एक, कभी दो, कभी दस बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं यहाँ पर घट चुकी है और यह मौत की घाटी के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। यह चुट्टू पालू रांची और पटना मुख्य मार्ग है और आज भी यहाँ पर सुबह में एक सड़क दुर्घटना हुई थी, एक की मौत हुई थी और आज यहाँ पर जैसा गाड़ी का स्थिति बयां कर, हालांकि स्थानीय लोगों की प्रयास और पुलिस की टीम और क्रेन हाइड्रा की मौजूदगी के कारण एक व्यक्ति को जिंदा बचा लिया गया है और अस्पताल भेजा गया है। और अभी भी जो सड़क पर दोनों ओर से जाम लग गई है, रांची पटना मुख्य मार्ग जाम हो गया है, उसको छुड़वाने की लगातार पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है। और लेकिन एक बड़ा सवाल बनता है कि लगातार इस मौत की घाटी में लगातार क्यों सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्यों लोग काल के गाल में सवार हैं, जबकि यहां पर जान बचाओ संघर्ष समिति की बैठक हुई, जान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आंदोलन किया गया और मांग की गई कि अलाइनमेंट को सुधार दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर स्थिति जस की तस बनी है, लोग काल के गाल में समा रहे हैं, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन के लोग सख्ती से इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं।